जबलपुर शहर में अवैध रूप से चलने वाले ऑटो को लेकर एडवोकेट सतीश वर्मा ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ऑटो चालकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, लिहाजा पुलिस ने अवैध ऑटो पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। भैया कौन वकील ने शिकायत करी थी, क्या मामला था पूरा? आज उच्च न्यायालय जबलपुर के अधिवक्ता सतीश वर्मा के द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनके मोबाइल पे किसी व्यक्ति के द्वारा फ़ोन करके उनके साथ गाली गलौज की गई, अश्लील गालियाँ दी गई और व्हाट्सएप के माध्यम से अश्लील मैसेज भी उनको धमकी भरे भेजे गए। उनकी रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया है और साइबर सेल की मदद से जिस नंबर से उनके मोबाइल पर फ़ोन आया था उसको ट्रेस किया गया। उसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उससे जानकारी दी जा रही है, पूछताछ जा रही है। क्या नाम है व्यक्ति? राकेश नायडू नाम का व्यक्ति है, जिसके बारे में जानकारी मिली है कि उसी के मोबाइल से अधिवक्ता सतीश वर्मा को गाली गलौज और व्हाट्सएप से मैसेज किए। कुछ वजह सामने आई, किस वजह से इसने किया था ये? अभी पूछताछ जारी है, अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी आई है वो ऑटो के संबंध में, जो जिनके परमिट नहीं बन रहे हैं और परमिट ना बन पाने का कारण उनको मानते हुए उनके साथ इस तरह का कृत्य किया गया है, जान से मारने की भी धमकी।